आइए मैं आपको बताता चलूं कि हमारा जो लेसन है थर्ड इंग्लिश फेसेस एंड फ्लिंग्स, इस लेसन में हमने NAB 2020 के कौन कौन से डोमेन्स और कौन कौन से क्राइटेरियाज को इम्प्लीमेंट किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल इस लेसन में बच्चों को जो है बताया गया है कि किस तरीके से हमारे जो इमोशंस होते हैं, हमारे जो जज्बात होते हैं, उसको हम हमारे फेशियल एक्सप्रेशन यानी चेहरे की बनावट से और अंग्रेजी जबान में जो लफ्ज होते हैं जो इमोशंस को या फीलिंग्स को एक्सप्लेन करने के लिए यूज किए जाते हैं उनके जरिए हम लोग कैसे इसको अंग्रेजी जबान में एक्सप्लेन कर सकते हैं या एक्सप्रेस कर सकते हैं ये बताया गया। तो इसके लिए हमने बच्चों के अंदर जो है लैंग्वेज एंड लिटरेसी डेवलपमेंट का डोमेन जो है पिक किया है जिसमें हम लोग बच्चों का डेवलपमेंट करवाने वाले हैं। तो इस लेसन का जो फर्स्ट पार्ट है इसमें हम लोगों ने बच्चों को जो है अलग अलग एक्टिविटीज के जरिए जो नए वर्ड्स है जो हमारे फीलिंग्स को एक्सप्लेन करते हैं जाहिर करते हैं ऐसे लफ्ज को जो मानी है वो याद करवाया या फिर ऐसे बताया गया कि कौन अंग्रेजी जबान में ऐसे कौन से लफ्ज है जो इस्तेमाल किया जाते हैं। देन जो सेकेंड पार्ट है हमने बच्चों को जो कम्प्लीट सेंटेंस होता है जिसमें एक पर्टिकुलर एक फीलिंग जो एक्सप्रेस की जाती है उस सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करवाई है अलग अलग जो हमारे प्राइमरी यानी जो बेसिक जो फीलिंग्स होती है उनके उनके लिए।